हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज की बड़ी खबरों में आपको कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबर के बारे में पता चलेगा। साथ ही दोस्तों, आपको बताएंगे क्यों लोग अपनी हवाई टिकट कैंसिल करा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप भी किसी चीज की EMI दे रहे हैं तो आपको भी EMI देने में मिल सकती है छूट। हर खबर को विस्तार से जानेंगे, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पाकिस्तान में हुई बहुत बड़ी दुर्घटना। पाकिस्तान में प्लेन हुआ क्रैश, 80 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका। कराची के इलाके में लाहौर से कराची जाने वाला एयरप्लेन दुर्घटना का शिकार हो गई है। इस घटना में 80 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है। लाहौर से 4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश हुआ है। अगले 10 दिन में चलाई जाएंगी 2600 ट्रेनें। कोरोना वायरस के बीच फंसे लोगों के लिए बड़ी घोषणा। भारतीय रेल निगम के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रेल परिवहन निगम को लेकर बातें। यूं तो रेल परिवहन से 15 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनों को चला रहा है, लेकिन 1 जून से 200 ट्रेनें दोबारा शुरू हो सकती हैं। रेल परिचालन की तरफ से रेल परिवहन को कोरोना वायरस की स्थिति में सामान्य लाने की कोशिश की जा रही है। सस्ता हुआ होम लोन, घर खरीदने वालों के लिए बड़ी घोषणा। घर की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए RBI ने बहुत बड़ी घोषणा की है। RBI ने रेपो रेट घटा देने के बाद होम लोन के करीब 7% कर दिया है। 15 सालों में होम लोन के सबसे कम ब्याज दर RBI ने की है। जो लोग होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए यह काफी बड़ी घोषणा साबित हो सकती है। लोग क्यों हवाई यात्रा की टिकट कैंसिल करा रहे हैं? पहले क्वारंटाइन के चलते यात्री हवाई यात्रा के टिकट कैंसिल करा रहे थे। दिल्ली, पतंग नगर और देहरादून के बीच एयरलाइंस को शुरू किया गया था। सोमवार की सुबह दिल्ली से 3 और पंत नगर से 8 लोगों ने देहरादून के लिए हवाई उड़ानें भरी है, जबकि मंगलवार को 54 लोगों ने टिकट बुक की थी, जिसमें से 52 लोगों ने कैंसिल करा दी। और वहीं पंत नगर से देहरादून के लिए 39 लोगों ने टिकट बुक की थी, जबकि 33 लोगों ने कैंसिल करा दिया, क्योंकि लोगों के ऊपर पहले क्वारंटाइन का एक्स्ट्रा 20 से 30 हज़ार खर्चा आ रहा है, जिस वजह से लोग अपनी हवाई यात्रा कैंसिल करा रहे हैं। हरियाणा में कब से हो सकते हैं फाइनल सेमेस्टर? कोरोना महामारी के बीच हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई से फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम होने का ऐलान कर दिया है। कॉलेजों के इसके बारे में बता दिया गया है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1 जुलाई से होने वाले एग्जामों के लिए तैयारी भी शुरू की जा रही है। RBI ने 6 महीने के लिए EMI को कैंसिल, लेकिन ग्राहकों को करना पड़ेगा मुश्किल का सामना। RBI की गाइडलाइंस के अनुसार 6 महीनों तक EMI को टाल दिया गया है और इस बीच ना ही बैंक उन पर दबाव डालेगी, ना ही उन्हें डिफॉल्टर में घोषित करेगी। लेकिन एक राहत के साथ साथ ग्राहकों के लिए एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि 6 महीने की रियायत में ग्राहक पर ब्याज बहुत इकट्ठा हो जाएगा, जिस वजह से ब्याज देने में ग्राहकों को कई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों ने किया हैरान करने वाला खुलासा। कोरोना महामारी की चपेट में 110 देश आ चुके हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया इसकी वैक्सीन खोजने में परेशान है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में पूरा 1 साल लगेगा। इससे पहले कोरोना की वैक्सीन ढूंढना असंभव है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करके बताएं, ताकि आप तक सच्ची और अच्छी खबर सबसे तेज और सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।